और अब भविष्यवाणी में आचार्य इंदु प्रकाश से जानिए कैसा रहेगा आपका आज का दिन। नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज अश्विन कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि और शनिवार का दिन है। दशमी तिथि आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 4:15 तक रहेगी। आज के दिन दशमी तिथि वालों का श्राद्ध किया जाएगा। आज सुबह सूर्योदय से शाम 4:25 तक स्थिर योग रहेगा। साथ ही आज शाम 4:25 तक 4:25 तक आर्द्र नक्षत्र रहेगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन जेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाजा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। क्या है कोरोना का भविष्य और कब निकलेगी कोरोना की वैक्सीन। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि यही जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। आज ये योग 13 सितंबर की सूर्योदय से 1:33 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्ध योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 13 सितंबर की शाम 4:34 से पूरी रात पार करके 14 सितंबर की दोपहर बाद 3:52 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 17 अक्टूबर की सुबह 6:24 से दोपहर पहले 11:51 तक रहेगा। आज नया बिजनेस शुरू करने के लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 19 अक्टूबर की सुबह 6:25 से 8:39 तक और सुबह 10:57 से दोपहर 2:08 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू करने के लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 17 अक्टूबर की सुबह 6:24 से 8:47 तक और दोपहर पहले 11:05 से 11:51 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 17 अक्टूबर की सुबह 6:24 से 8:47 तक और दोपहर पहले 11:05 से शाम 4:19 तक रहेगा। आज सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 16 अक्टूबर की रात 1:01 से 1:25 तक और रात 1:54 से अगली सुबह 6:24 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 18 सितंबर की दोपहर 12:51 से शाम 4:46 तक और शाम 6:13 से रात 11:09 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 16 अक्टूबर की रात 1:01 से 1:25 तक और रात 1:54 से अगली सुबह 6:24 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिली जुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति समय से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है, इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज दोपहर 1:13 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन कर्क, तुला, मकर और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 9:11 से 10:44 तक, मुंबई 9:30 से 11:02 तक,
चंडीगढ़ 9:12 से दोपहर पहले 10:45 तक, लखनऊ 8:57 से 10:29 तक, भोपाल 9:11 से 10:44 तक, कोलकाता 8:27 से 10 तक, अहमदाबाद 9:30 से दोपहर पहले 11:03 तक, और चेन्नई में राहुकाल होगा आज 9:01 से 10:33 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो दिशा है पश्चिम और उत्तर पश्चिम। आज घर से निकलकर पश्चिम या उत्तर पश्चिम दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही पश्चिम या उत्तर पश्चिम दिशा की ओर 7 कदम चलिए। क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम से चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपको तरक्की के कुछ नए साधन मिल सकते हैं। आपको बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आज आपका मूड काफ़ी अच्छा रहेगा। बिजनेस में सब कुछ सामान्य रूप से बना रहेगा। दाम्पत्य संबंधों में ताजगी भरने के लिए आज का दिन बढ़िया है। आप कुछ नए विचारों के साथ अपना कोई खास काम शुरू कर सकते हैं। आज का दिन आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आपके आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी होगी। नए शुरू किए हुए कामों में सफलता मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है वायलेट और लकी नंबर है 2। वृष राशि वालों, आज आपका दिन उत्तम रहेगा। आपको बिजनेस के क्षेत्र में कुछ लोगों से मदद मिलेगी। आप अपने दाम्पत्य जीवन को आपसी समझ से और भी बेहतर बनाएंगे। आज सामाजिक जीवन भी हर तरह से बेहतर बना रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपको काम के लिए वाहवाही मिलेगी। आर्थिक स्थिति में प्रगति होगी। आज खुद को सही साबित करने में सफल रहेंगे। किसी काम को पूरा करने के लिए आपको कोई नया आइडिया सूझेगा। स्टूडेंट्स को आगे बढ़ने के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। आज समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है व्हाइट और लकी नंबर है 1। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन पहले की अपेक्षा अच्छा रहेगा। कुछ अच्छे लोगों से आपकी मुलाकात दिन को और बेहतर बना सकती है। जीवन में तरक्की के नए रास्ते भी खुलेंगे। ऑफिस में आपके काम की तारीफ हो सकती है। अपने कुछ खास काम निपटाने के लिए आपको अपने रूटीन में बदलाव करना पड़ सकता है। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे। साथी कहीं घूमने जाने की प्लानिंग भी कर सकते हैं। अगर किसी तरह का निवेश करने की सोच रहे हैं तो पहले आपको सब कुछ अच्छी तरह से चेक कर लेना चाहिए। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 6। कर्क राशि वालों, आज जीवन साथी के साथ आपको बातचीत में थोड़ी नरमी बरतनी चाहिए। धैर्य रखने पर आपके रिश्ते मधुर होंगे। नियमित योग करने से आपका स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। आज कुछ कामों में आपको अधिक समय लग सकता है। आपको टेंशन लेने से बचना चाहिए। आज किसी की राय आपके लिए कारगर साबित हो सकती है। दूसरों के सामने अपनी बात रखने की पूरी कोशिश करेंगे। आमदनी बढ़ाने के लिए कोई नया प्लान आपके दिमाग में आ सकता है। कुल मिलाकर आज आपका दिन बेहतर होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 3। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन सामान्य रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। आगे चलकर ये प्रोजेक्ट आपको फायदा दिलाएगा। इस राशि के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन ठीक ठाक रहने वाला है। मेहनत के बल पर आपको अपने करियर में सफलता हासिल होगी। ऑफिस में एक साथ कई तरह के काम हाथ में लेने से आपको तनाव महसूस हो सकता है। कुछ कामों में ओवर कॉन्फिडेंस के कारण आपको नुकसान भी हो सकता है, इसलिए आज अपने आप पर थोड़ा काबू बनाए रखें। आज के लिए आपका लकी कलर है स्काई ब्लू और लकी नंबर है 5। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहेगा। बचपन के किसी दोस्त का आज फोन आ सकता है। बात के दौरान कुछ पुरानी यादें ताज़ा होंगी। आपके अधूरे काम पूरे हो जाएंगे। बिजनेस में नए एग्रीमेंट हो सकते हैं। संपत्ति बढ़ाने की कोई योजना सफल हो सकती है। आज आपकी कुछ महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात होगी। आपके कारोबार में बढ़ोतरी होगी। स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन फेवरेबल रहेगा। आप किसी नए कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको माता पिता का पूरा पूरा सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही धन में भी बढ़ोतरी होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 1। तुला राशि वालों, आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा। आप सामाजिक कार्यों में हिस्सा ले सकते हैं। ऑफिस में आपको कोई नया काम मिल सकता है जिसमें आप अपनी मेहनत से सफल भी हो सकते हैं। परिवार से जुड़े किसी काम के लिए थोड़ी भागदौड़ हो सकती है। स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव भी बना रहेगा।
कोर्ट संबंधी किसी काम के लिए आपको अपने सीनियर्स की मदद लेनी पड़ सकती है, आप किसी दोस्त के घर जा सकते हैं। धन संपत्ति के मामलों में आपको सतर्क रहना चाहिए। माता का स्वास्थ्य बेहतर होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 4। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन पहले की अपेक्षा बेहतर रहेगा। थोड़ी सी मेहनत से ही आपको बड़ा मुनाफा मिल सकता है। आप जीवन साथी के साथ ही घर पर डिनर करने का प्लान बना सकते हैं, इससे आप दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ेंगी। बच्चों दोस्तों के साथ खेलने में ज्यादा समय बिता सकते हैं, साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में भी सफलता हासिल होगी। नौकरी पेशा लोगों को करियर से जुड़ा कोई सुनहरा मौका मिलेगा। आपके कामकाज में बदलाव होने के योग बन रहे हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 7। धनु राशि वालों, आज आपका दिन बढ़िया रहेगा। परिवार वालों के साथ धार्मिक स्थल पर दर्शन के लिए जाएंगे। आपके मित्रों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। आर्थिक रूप से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आपके काम में नयापन आएगा। अपनों से नजदीकियां बढ़ाने का अवसर मिलेगा। आपको कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। आपके कामकाज की क्षमता बढ़ेगी, जिससे कार्यक्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ने के योग है। लवमेट्स एक दूसरे के साथ खुशी के पल व्यतीत करेंगे। बेरोजगारों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है सी ग्रीन और लकी नंबर है 1। मकर राशि वालों, आज आपका दिन सामान्य रहेगा। बिजनेस में रुका हुआ पैसा आपको मिल सकता है। आपको किसी विशेष काम में दूसरों की मदद मिल सकती है। साथ ही परिवार के लोग आपके हर फैसले के साथ होंगे। जीवन साथी के साथ भी बेहतर तालमेल बना रहेगा, लेकिन ऑफिस में माहौल मिला जुला रहेगा। आपकी किसी सहकर्मी के साथ अनबन की स्थिति बन सकती है। आपको अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। आज पारिवारिक समस्याओं का समाधान मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 9। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन फेवरेबल रहेगा। आप खुद को एनर्जेटिक महसूस करेंगे, साथ ही आपके परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। आपको आनंद की अनुभूति होगी। आपके किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। आप किसी खास विषय पर उनसे बातचीत भी कर सकते हैं। आप बच्चों को कहीं घुमाने ले जाएंगे। आज कामकाज के सिलसिले में थोड़ा बिजी रह सकते हैं। अधिकारी वर्ग आपसे प्रसन्न होंगे। परिवार का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 8। मीन राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आपके अच्छे व्यवहार से आसपास के लोग खुश रहेंगे, साथ ही आपकी अच्छी छवि निखर कर लोगों के सामने आएगी। समाज में आपको उचित आदर सम्मान मिल सकता है। ऑफिस का काम समय पर पूरा होगा। किसी दोस्त की मदद से आपके कुछ निजी काम पूरे होंगे। आपको आर्थिक रूप से भी लाभ की प्राप्ति होगी। कुछ मामलों में आपको अधिकारियों से मदद मिलेगी। दोस्तों से संबंध मजबूत होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 4। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है, वो आज किसी दोस्त को मीठा खिलाएं, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है, वो आज घर के गेट को सैनिटाइज करें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमय दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आपके लिए आज का दिन बेहतरीन रहेगा, साथ ही आर्थिक तौर पर आपके लिए लाभकारी रहेगा। मूलांक 2, बाहर का खाना जैसे जंक फूड इत्यादि से परहेज करें, आपकी सेहत बेहतर बनेगी। मूलांक 3, आज आपका मन किसी धार्मिक स्थल के दर्शन करने को करेगा। शाम को परिवार के साथ दर्शन करने जाएंगे। मूलांक 4, अपने पार्टनर को कोई कीमती उपहार देकर आप वैवाहिक जीवन में खुशियों की मिठास घोलेंगे। मूलांक 5, आज जीवन साथी के साथ आनंददायक पल बिताने के काफी मौके आपको मिलेंगे। मूलांक 6, अपने काम और पारिवारिक जीवन के बीच सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करिए। मूलांक 7, आज आप उच्च अधिकारियों से तालमेल बनाकर चलें तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा। मूलांक 8, आज आपके पैसों का रोटेशन बराबर रहेगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। मूलांक 9, आज किसी ऐसी जगह पैसा निवेश कर सकते हैं जिसका फायदा भविष्य में आपको मिलेगा। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे स्टडी रूम में स्टडी टेबल रखने के बारे में। वास्तुशास्त्र के अनुसार स्टडी रूम के साथ साथ स्टडी टेबल के लिए भी सही दिशा का निर्धारण करना आवश्यक है, क्योंकि स्टडी टेबल को सही दिशा में रखने से बच्चे की एकाग्रता की शक्ति बढ़ती है, साथ ही पढ़ाई में उसकी रुचि बढ़ती है। स्टडी टेबल को रखने के लिए सही दिशा का निर्धारण उसकी धातु या किस चीज़ की बनी है, इस आधार पर किया जाता है। अगर स्टडी टेबल लकड़ी की है तो उसे रखने के लिए पूर्व दिशा या आग्नेय कोण यानी दक्षिण पूर्व दिशा का चुनाव करना चाहिए।
लेकिन अगर स्टडी टेबल लकड़ी के अलावा किसी अन्य धातु की है, लोहे आदि की है या अल्युमिनियम की है, तो उसके लिए पश्चिम दिशा का वायव्य कोण यानी उत्तर पश्चिम दिशा का चुनाव करना ठीक होता है। इस प्रकार अलग अलग धातु के अनुसार दिशा का चुनाव करके स्टडी टेबल रखने और उस दिशा में पढ़ाई करने से पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज अश्विन कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि और शनिवार का दिन है। दशमी तिथि आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 4:15 तक रहेगी। जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने के कृष्ण या शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को हुआ हो उनका श्राद्ध आज के दिन किया जाएगा। दशमी तिथि का श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होती। अगर आपके घर में किसी पूर्वज का स्वर्गवास दशमी तिथि को हुआ हो तो आज के दिन उसके निमित्त श्राद्ध कार्य करके आप जीवन में धन संपत्ति की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये थी चर्चा दशमी श्राद्ध की। और अब बात करते हैं आज के योग और नक्षत्र की। आज सुबह सूर्योदय से शाम 4:25 तक स्थिर योग रहेगा। गुरुवार शनिवार को अगर चतुर्थी अष्टमी नवमी त्रयोदशी या चतुर्दशी तिथि के साथ कृतिका आर्द्रा आश्लेखा उत्तरा फाल्गुनी स्वाति ज्येष्ठा उत्तराषाढ़ा शर्भिखा या रेवती नक्षत्र का संयोग बन रहा हो तो स्थिर योग बनता है। ये योग रोग आदि से छुटकारा पाने के लिए बड़ा ही शुभ होता है। साथ ही आज शाम 4:25 तक आर्द्रा नक्षत्र रहेगा। आर्द्रा का अर्थ है नमी। आर्द्रा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह आंसू की बूंद को माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव के रुद्र रूप को आर्द्रा नक्षत्र का अधिपति देवता माना जाता है। आर्द्रा नक्षत्र का पेड़ शीशम है। तो ये थी चर्चा स्थिर योग और आर्द्रा नक्षत्र की। और अब बात करेंगे आज के नक्षत्र श्राद्ध की। दशमी श्राद्ध के साथ ही आज आर्द्रा नक्षत्र भी है। गरुड़ पुराण के अनुसार कृतिका रोहिणी मृक्षा नक्षत्र की तरह ही विशेष लाभ पाने के लिए अपने पूर्वज की स्वर्गवास तिथि के अलावा आज आर्द्रा नक्षत्र में भी श्राद्ध कर सकते हैं। आर्द्रा नक्षत्र का संबंध शीशम के पेड़ से है और जिस भी विशेष नक्षत्र पे श्राद्ध करने का महत्व है उस दिन उस नक्षत्र से संबंधित पेड़ पौधों की उपासना करने का भी बड़ा महत्व है। अतः आज के दिन आर्द्रा नक्षत्र के दौरान आपको शीशम के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए और उसकी जड़ में जल चढ़ाना चाहिए। साथ ही हो सके तो आज के दिन शीशम का पेड़ लगाना भी चाहिए और उसकी देखभाल करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। तो ये थी चर्चा आज के नक्षत्र श्राद्ध की। और अब बात करेंगे आज पड़ने वाली भद्रा की। आज शाम 4:18 से शुरू होकर भोर 4:15 तक भद्रा रहेगी। आज चंद्रमा मिथुन राशि में है, लिहाजा आज स्वर्ग लोक की भद्रा है और स्वर्ग लोक की भद्रा का पृथ्वी लोक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस समय शुभ काम किए जा सकते हैं। भद्रा जिस किसी भी लोक में स्थित होती है केवल वही मूल रूप से प्रभावी रहती है। स्वर्ग लोक की भद्रा पृथ्वी पर शुभ फल देती है। तो ये थी चर्चा भद्रा की। और आइए चर्चा शुरू करते हैं आज के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि आज की ग्रह नक्षत्र स्थिति के अनुसार सभी लोग ये उपाय करके लाभ उठा सकते हैं। अगर आप बिजनेस में अपनी आर्थिक स्थिति को स्थिर बनाए रखना चाहते हैं तो आज ऑफिस में तुलसी का पौधा लगाइए और उसकी देखभाल करिए। अगर आप किसी विशेष कार्य में अपनी सफलता को स्थायी रूप में देखना चाहते हैं तो आज के दिन आपको श्री विष्णु भगवान की विधिपूर्वक पूजा करके उनके इस मंत्र का 108 जप करना चाहिए। मंत्र है ओम नमो भगवते नारायणाय। अगर आप भविष्य में किसी भी प्रकार की गंभीर बीमारी से अपने परिवार को बचाए रखना चाहते हैं तो आज स्थिर योग में आप महामृत्युंजय यंत्र की स्थापना कीजिए। अगर आप अपने दाम्पत्य संबंधों में प्यार को यूं ही बनाए रखना चाहते हैं तो आज श्री विष्णु को केसर चढ़ाएं, साथ ही उनके आगे घी का दीपक जलाएं। अगर आप रोग आदि के भय से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आज आपको त्रयंबक मंत्र का कम से कम 108 जप करना चाहिए। मंत्र है ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्युर्मुक्षी अमामृतात्। अगर आप अपनी अच्छी सेहत को बरकरार रखना चाहते हैं तो आज आपको श्री विष्णु का ध्यान करते हुए तुलसी के 5 का सेवन करना चाहिए। और ध्यान रहे कि तुलसी के पत्तों को चबाना नहीं चाहिए, उन्हें केवल पानी के साथ निगल लेना चाहिए। अगर आपको बोलने में किसी प्रकार की परेशानी महसूस होती है या दूसरों के सामने अपनी बात पूरे कॉन्फिडेंस के साथ नहीं रख पाते हैं तो आज आपको मंदिर में हरे साबुत मूंग का दान करना चाहिए, साथ ही सिद्ध किया हुआ बुध यंत्र धारण करना चाहिए। अगर आपको कमर संबंधी कोई परेशानी रहती है या आप कमर दर्द से परेशान रहते हैं तो आज
स्थिर योग में विधारा की जड़ का छोटा सा टुकड़ा लेकर उसे ताबीज में डालकर अपने कमर पर बांध लें। अगर कमर में नहीं बांध सकते तो अपने गले में पहन लें। अगर आपको आंखों से जुड़ी कोई समस्या रहती है तो आज स्थिर योग में आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। साथ ही अपने इष्ट देव को प्रणाम करके उन्हें पुष्प अर्पित करने चाहिए। अगर आप अपने घर की सुख समृद्धि को हमेशा बनाए रखना चाहते हैं तो आज आपको सुबह स्नान के बाद साफ सुथरे कपड़े पहनकर तुलसी के पौधे की पूजा करनी चाहिए और उसमें घी का दीपक जलाना चाहिए। अगर आपको दांतों संबंधी कोई परेशानी रहती है, आपके दांतों में दर्द रहता है, तो आज आपको केतु संबंधी उपाय करना चाहिए। आज आपको केतु के मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। मंत्र है ओम स्रां श्रीं स्रौं सः केतवे नमः। मंत्र जप के साथ ही आज आपको केतु यंत्र की स्थापना भी करनी चाहिए। आप चाहें तो धातु पर बना यंत्र ले सकते हैं या फिर स्वयं भोजपत्र पर अनार की कलम द्वारा अष्टगंध से, या ये भी संभव न हो तो सफ़ेद कागज़ पर लाल पेन से यंत्र बना सकते हैं। यंत्र की फोटो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आपको ऐसा ही यंत्र बनाना है। इस प्रकार धातु या खुद से बना हुआ यंत्र लेकर उसकी पूजा करें और उस पर मंत्र का जप करें। उसके बाद उस यंत्र को अपने घर में के मंदिर में किसी सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए। आज ऐसा करने से आपको राहत मिलेगी। अगर आप अपने कार्यों में स्थिरता बनाए रखना चाहते हैं तो आज आपको एक पीपल का पत्ता लेकर उसे अच्छे से साफ करके उस पर रोली से श्री लिखना चाहिए और लिखने के बाद उस पीपल के पत्ते को श्री विष्णु मंदिर में चढ़ाना चाहिए। श्री श्री के ऊपर अंक बिंदी भी लगाएं, श्री। आज ऐसा करने से आपके कार्यों में स्थिरता बनी रहेगी। तो ये सारी चर्चा थी आज दशमी तिथि, आर्द्र नक्षत्र, श्राद्ध और स्त्री योग के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का पूरा पूरा फायदा उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर, आपके आज के भविष्य के बारे में, और ABCD ही क्यों नाम का पहला अक्षर ही क्यों, क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है A, ऑफिस में जूनियर का सहयोग मिलेगा जिससे आपका प्रोजेक्ट पूरा होगा। B, किसी पुरानी बात को लेकर चिंता बढ़ सकती है और कामकाज अधिक हो सकता है। C, आज का दिन अच्छा रहेगा, आपको कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। D, संचार साधनों से आपको फायदा होगा, ज़्यादातर चीज़ें बहुत आसानी से सुलझती जाएंगी। ई, आपके लिए आज का दिन खास रहेगा, कुछ नए अनुभव ही आपको मिलेंगे। F, पैसों के मामले में उन्नति के नए रास्ते खुलेंगे, अचानक धन लाभ भी होगा। G, किसी काम में आप ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं जिससे आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं। H, अपनी चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, नहीं तो उनको खोने की संभावना बन सकती है। I, आपके अंदर कुछ बदलाव हो सकते हैं जिससे आपका करियर बेहतर बनेगा। जी, किसी पुराने मित्र से मुलाकात होगी, उसके साथ खूब सारी बातें करेंगे। के, सोचे हुए सभी काम पूरे होंगे, बिजनेस में पैसा लगाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। एल, छात्र आज ग्रुप स्टडी करेंगे तो आपके सब्जेक्ट में आ रही परेशानियों का हल मिलेगा। एम, बिल्डर्स के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा, अचानक से आपको अच्छा मुनाफा होगा। N, विवाहितों के लिए आज का दिन खुशनुमा रहेगा, आपके रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। O, जिस अच्छे मौके का आपको इंतज़ार था वो अच्छा मौका आज आपके सामने आएगा। P, बिजनेस की प्लानिंग को लेकर कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं, ये फैसला आपके लिए बेहतरीन रहेगा। Q, संतान की ओर से खुशखबरी मिल सकती है, घर का वातावरण खुशनुमा बना रहेगा। R, दफ्तर में कोई उलझा हुआ मामला सुलझ सकता है जिससे आपकी टेंशन दूर होगी। S, मन में वैचारिक उथल पुथल हो सकती है, इधर उधर के विचार भी आ सकते हैं। T, काम अधिक होने से तनाव बढ़ सकता है, शाम को बच्चों के साथ समय बिताने पर राहत महसूस करेंगे। U, कोई भी काम आप जल्दबाजी में न करें, नहीं तो वो काम आपका बिगड़ सकता है। V, वित्तीय मामलों में आप समझदारी से काम लें, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। W, बिजनेस में कोई नई परियोजना लागू करना चाह रहे हैं तो आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। X, पैसों से जुड़े बड़े फैसले
सोच समझ कर लेना चाहिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। वाई, कामकाज के मामले में चीजें अपने आप सुलझ जाएंगी, साथ ही आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। जेड, स्टूडेंट्स के लिए दिन बढ़िया रहेगा, आपका मन पढ़ाई में पहले से ज़्यादा लगेगा। और अब बात आज के तीर्थ की, आज हम आपको कराने जा रहे हैं नैमिषारण्य के चक्र तीर्थ के दर्शन। उत्तर प्रदेश के सीतापुर के पास नैमिषारण्य नाम के स्थान पर स्थित है चक्र तीर्थ। इस स्थान पर पितरों का श्राद्ध एवं तर्पण करने का बड़ा महत्व माना जाता है। इस स्थान के बारे में दो कथाएं प्रचलित हैं। पहली के अनुसार जब ऋषियों ने ब्रह्मा जी से सबसे उपयुक्त भूमि के बारे में पूछा, तब ब्रह्मा जी ने एक चक्र को उनके साथ भेजा और कहा जिस स्थान पर यह चक्र भूमि में समा जाए वही भूमि तप के लिए सबसे शुद्ध होगी। वहीं दूसरी कथा के अनुसार इस स्थान पर बने सरोवर में भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र सरोवर में समा गया था। इन्हीं दो कथाओं के अनुसार ही इस स्थान को चक्र तीर्थ और इस सरोवर को चक्र सरोवर कहा जाता है। लोग दूर दूर से यहाँ अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण करने आते हैं, तो आप भी कीजिए इस पवित्र चक्र तीर्थ के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे गुलाबी रंग के गाल वाले लोगों के बारे में। जिन लोगों के गालों का रंग गुलाबी होता है, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार उनका स्वभाव कैसा होगा, आज इसी पर चर्चा करेंगे। ऐसे रंग वाले लोग संतुलित मानसिकता के होते हैं, ये अपने आप को परिस्थिति के अनुसार ढालना अच्छी तरह से जानते हैं और अपने प्रत्येक काम को नए तरीके से पूरी योजना के साथ करने में इन्हें बहुत आनंद मिलता है। ये लोग अपने सभी फैसले बहुत ही सोच समझ कर करते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन में कई ऊंचाइयों को छूते हैं जिससे समाज में इनका बहुत नाम होता है। धैर्यवान होने के साथ साथ ये लोग प्रकृति प्रेमी भी होते हैं। इन्हें प्राकृतिक चीज़ें, खुला आसमान, पेड़ पौधे और जानवरों आदि से बहुत लगाव होता है। दूसरों की मदद करना इनका स्वभाव होता है। किसी को मुसीबत में देखकर ये लोग अपने आप को रोक ही नहीं पाते, इसलिए तुरंत मदद के लिए निकल पड़ते हैं। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 12 सितंबर को शुद्ध आश्विन कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है। दशमी तिथि में कलम्बी के शाक का सेवन नहीं करना चाहिए। कलम्बी एक पत्तेदार सब्जी है जो कि पानी के सोर्स के पास उगती है। दशमी तिथि आज भोर 4:15 तक रहेगी, उसके बाद एकादशी तिथि लग जाएगी जो कि कल रात 3:17 तक रहेगी। एकादशी तिथि में शिम्बी यानी सेम की सब्जी का सेवन निषिद्ध है। इसका सेवन करना आपकी संतान के लिए हानिकारक हो सकता है, अतः आज भोर 4:15 तक आपको कलम्बी के शाक का सेवन करने से बचना चाहिए। जबकि उसके बाद कल रात 3:17 तक आपको शिम्बी यानी कि सेम की सब्जी का सेवन अवॉइड करना चाहिए। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल की शुभ दिशा क्या है। कल मॉर्निंग वॉक करते समय अपना मुंह किस दिशा में रखें कि आपको अच्छी सेहत मिले। घर पर पूजा करते समय, खाना खाते समय, प्राणायाम करते समय, योगासन करते समय, फ़ोन पर बात करते समय, ऑनलाइन कुछ खरीदते समय या कोई एग्रीमेंट करते समय कल आपका मुंह किस दिशा में होना चाहिए कि आप मैक्सिमम फायदा ले सकें, आपको घर में परिवार में पूरा यश मिले, भरपूर सम्मान मिले, तो कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है पश्चिम और उत्तर। और अब सावधान कोरोना, ओम नमो नृसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणुकुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हनान कंपय कंपय मथ मथ ह्रीं 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 फट फट ठा ठा एहि रुद्र आज्ञापयति स्वः। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज बालों में थोड़ा तेल लगाएं, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 01244721000 और 997100226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।